अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन कोरमा बनाने जा रहे हैं और उसके लिए हमने ये सब सामान लिया। हम अलग तरीके से बनाएंगे बिल्कुल। तो 1 किलो चिकन लिया है ये हमने, आप देख सकते हैं। और 2 से 3 टेबल स्पून दही लिए। आपके पास अगरचे मीठी दही हो तो थोड़ा ज्यादा डाल दें, 5 टेबल स्पून। हमारे पास ये खट्टी है तो हमने 2 ही टेबल स्पून लिया है। और 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने मलाई ली है। और 2 टेबल स्पून ये वाले टीस्पून के हमने भर के काजू पेस्ट लिया है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, दोनों मिक्स है ये अदरक और लहसुन। और 1.5 टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, कलर के लिए लिया हमने। नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। 1/2 टीस्पून का व्हाइट पेपर है। 1/2 टीस्पून ये जीरा है पिसा हुआ भुना हुआ। 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर है। 1 टीस्पून भर के हमने लाल मिर्च पाउडर है। और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है। और टमाटर लिए हैं ये 3 से 4। तो ये आप देख सकते हैं प्यूरे बना के रख लिया हमने। और 3 प्याजे लिए, स्लाइस में काट लिए। तो हम इसे पहले ब्राउन करेंगे। हमने तेल डाल दिया कढ़ाई में। ये तेल गरम है हमारा, तो प्याज को फ्राई कर लेंगे। हमें ब्राउन करना है प्याज को, पहले ब्राउन करके निकाल लेना है। जैसे कोरमे की होती है ऐसे ही करना है। आज हम बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे, इसका मजा भी अलग होगा। थोड़ा सा केवड़ा डालेंगे बाद में। देखिए तेज आंच पे इसे हम ब्राउन कर लेते हैं प्याज को बिल्कुल। देखिए प्याज हमारी गोल्डन हो गई है, तो हम इसे सबको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट लगे इसे फ्राई होने में। चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं प्याज को और दिखाते हैं आपको। देखिए प्याज हमारी बिल्कुल फ्राई हो गई है। ज्यादा सी देर रख के ये एकदम करारी सी हो जाएगी। आप आवाज सुन रहे होंगे, ये देखिए इसकी आवाज आपको आ रही होगी। अभी ये गर्म है, अभी ठंडी हो जाएगी तो ये बिल्कुल करारी सी हो जाएगी। तो फिर हम इसे महीन या तो हाथ से क्रश कर लेंगे या हम जार में डाल के इसे दरदरा सा घुमा लेंगे। तो इसे अलग रख देते हैं और अपने चिकन की तैयारी कर। ये देखिए तेल हमारा गर्म ही है अभी, तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। पहले हमें चिकन को फ्राई करना है अच्छे से, तेज आंच पे ही। देखिए हमने चिकन डाल दिया, तो इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून हम नमक डाल देंगे, थोड़ा सा कम डाल देंगे टेबल स्पून से। 1/2 टीस्पून डाल दिया है, इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे हमें जब तक फ्राई करना है अब तक ये थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन सा नहीं दिखने लगे जब तक। देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया, तो अब हम इसे ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। और बीच बीच में चेक करते रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे इसे, ताकि हमें इसे थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन सा कलर देना है। और ऑयल आपको ज्यादा दिख रहा है ये? हाँ ये ज्यादा है, हम इसको ऑयल को निकाल लेंगे। जितनी जरूरत होगी इतना ही छोड़ेंगे, क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ और नहीं डाला है नमक के अलावा। तो हमें कलर चेंज करना है चिकन का, इसीलिए ऑयल जो है ज्यादा है। ये देखिए हमने चिकन बिल्कुल, आप देख सकते हैं भून के कलर बिल्कुल व्हाइट हो गया है इसका, एकदम पीला पीला सा। तो इसमें थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आएगा, तो तब तक के लिए हमें इसे ढक के पकाना, ताकि ये जले नहीं। घी वैसे तो बहुत है इसमें, जलेगा नहीं, लेकिन फिर भी बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। और चिकन हमारा गोल्डन सा हो गया, तो हम चूल्हे को थोड़ा हल्का कर देते हैं और इसे ऑयल को निकाल लेते हैं बाहर। जितना हमें जरूरत है इतना छोड़ेंगे और सब निकाल लेंगे हम एक बाउल में। ये देखिए बाउल में निकाल लेते हैं। ये
जाएगी। हमने सारा ऑयल निकाल दिया इसका, आप देख सकते हैं जितनी हमें जरूरत है इतना ही छोड़ दिया, सब बाउल निकाल दिया, ये आप देख सकते हैं। सारा ये जो भी आप गन्ने या ये बड़े का कुछ भी आप पकाए उसमें यूज कर सकते हैं। थोड़ा करारा करारा सा हो गया चिकन, तो हमें ऐसा ही चाहिए था बिल्कुल। इसी के साथ साथ हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, डाल के अच्छे से भूनेंगे। अच्छे से पका देंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए अदरक लहसुन का। देखिए अदरक लहसुन अच्छे से भुन गया, आप देख सकते हैं मिक्स हो गया सारा अच्छे से। तो हम इसमें ये टमाटर प्यूरे डाल देंगे। हमने इसमें पानी नहीं डाला था बिल्कुल भी, बिना पानी के ही पिसा हुआ है टमाटर प्यूरे। इसी के साथ साथ हम इसमें दही डाल देंगे, दही डाल के अच्छे से मिला देंगे। दही डाल के अच्छे से मिला दें ताकि ये फटे नहीं, कि हमारा चिकन ऑयल बहुत ही गर्म है तो इसीलिए। ये देखिए दही डालते ही थोड़ा ठंडा हो गया है, कि चूल्हा हमारा तेज जल रहा है, देख सकते हैं। इसके साथ साथ धनिया पाउडर डाल देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, हल्दी पाउडर। लाल मिर्च पाउडर, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, ऑयल भी जितना आप पसंद करते हो, कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें तेजी नहीं होती बिल्कुल भी, ये बस कलर के लिए ही डलती है। अच्छे से मिला देते हैं। ये देखिए सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए अच्छे से मिक्स हो गए। तो हम इसमें आधा कप पानी डाल देते हैं, दही के बाउल में ही हमने मिला के पानी डाल दिया, चूल्हे को तेज कर दिया देंगे ताकि ये भी अच्छे से पक जाए मसाले के साथ साथ। ये देखिए इसमें हमने काजू पेस्ट मिला दिया, अब नमक डाल देते हैं, आधा टीस्पून हमने उस टाइम डाला था, आधा अब डाल देते हैं, थोड़ा सा रोकेंगे। हम इसे ढक के पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए, थोड़े मीडियम आंच पे। मीडियम आंच पे पकाएंगे और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे, दिखाते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। देखिए 5 से 6 मिनट हो गए और चिकन को पकते हुए ये अच्छे से बिल्कुल तैयार हो गया एकदम, देख सकते हैं मिर्चें भी बहुत ही नरम हो गई हैं और इसके अंदर तक ये ऑयल और मसाला हो गया, हमें ऐसा ही चाहिए था। देखिए ग्रेवी भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी हो रही है। सबको मिला देते हैं अच्छे से। इसमें हम थोड़ी सी अदरक डाल देंगे ऊपर से और थोड़ा सा केवड़ा डालेंगे।
तरफ डाल देंगे, थोड़ी सी ऊपर से डालेंगे, प्योरा वाटर डाल देंगे, हल्का सा हाथ इसको हिलाना है हाथ से ताकि इसके अंदर खुशबू हो जाए, तो इसीलिए इसे ढक देते हैं 1 से 2 सेकंड के लिए और चूल्हे को बंद कर देते हैं। कोरमा चिकन बिल्कुल तैयार है, चिकन कोरमा बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। वाह कितना अच्छा लग रहा है, इसकी खुशबू भी बहुत ही बेहतरीन आ रही है, बहुत ही बढ़िया खुशबू है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। डिश में निकाल लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, इसमें थोड़ा बटर डाल देते हैं। इससे आपके पास देसी घी हो तो आप देसी घी डाल सकते हैं और नहीं तो बटर डाल सकते हैं, हम देख सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, कोरमा बिल्कुल तैयार है एकदम खाने के लिए। बच्चों आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी रेसिपी, और आप बना के खा के जरूर देखिएगा। कोरमा बिल्कुल अलग है, ये मजे में बिल्कुल अलग होगा, टेस्ट में भी और देखने में भी, ग्रेवी वाला 7 से 8 लोग खा सकते हैं आराम से। ये जो हमने बनाया ग्रेवी वाला, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसीलिए बेल आइकन दबाना जरूरी है और शेयर भी जरूर करिए और हमारी वीडियो ऐसी देखते रहिए और कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।